अभिलाषा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुनारी गोलीकांड के मामले में अब तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त रविदास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को सुनारी कागल नगर में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें रविदास गिरोह ने अपनी प्रतिद्वंदी गिरोह के सोनू उर्फ सियाल को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस गोलीबारी की घटना में रविदास सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके लिए जिला पुलिस ने एक टीम गठित कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है, जिसमें गोलीबारी के दौरान रविदास के साथ मौजूद गणेश दास को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही रविदास गिरोह के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। गिरफ्तार गणेश के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक 7.65 की 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा सहित घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी डॉक्टर तमिलवानन ने बताया कि गोलीकांड और चाकूबाजी की घटना में कुल 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त रविदास को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा घटना में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल और पुलिस को गुमराह करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि वर्षों से चली आ रही इन दोनों गिरोह के आपसी वर्चस्व को समाप्त किया जा सके। दिनांक 26 फरवरी को सोनारी थाना क्षेत्र में घटित गोली चलन घटना में अभियुक्त 7 अभियुक्त मुख्य अभियुक्त थे, उसमें पहले भी हम लोगों को 2 बंदे को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजे हैं, और अपने जो सीपीएसपी के नेतृत्व में जो एससीटी डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के लीडिंग में हम लोग एससीटी गठन किए, उसमें सख्त कार्रवाई करते हुए उसमें इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है गणेश दास उर्फ गणेश बर्मन, जो उस दिन सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया बुलेट और हीरो होंडा मोटरसाइकिल, और वहां पर जो गोली चलन घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार और जिंदा कारतूस और खोखा, ये सब बरामद किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो रविदास के साथ उस दिन साथ में मौजूद थे और ये घटनाक्रम को ये लोग कुल सब लोग मिला के इसको अंजाम दिए हैं, और इसमें से कुल हम लोगों को रिकवरी है 2 मोटर, 1 मोटरसाइकिल है, 1 बुलेट है और 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस, और हम लोग को खाली खोखा मिला है। और भी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो मेन अभियुक्त है रविदास, उसमें हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं, और हम लोग अपना इसमें और अनुसंधान का दिशा में हम लोग चल रहे हैं कि पूर्व से क्या हुआ, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कहां से अंजाम दिया, और इसमें और भी कोई अक्यूज शामिल है कि नहीं, इसमें भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को प्लानिंग के समय मदद करने वाले हैं, या उनको घटना के बाद कहां कहां शरण लिए और उन लोगों को शरण देने वाले, और पुलिस को गुमराह करके उन लोगों को बचाने में जो मदद किए, उन लोग भी हम लोग गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं, और उन लोग भी हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे ताकि उस एरिया में गैंग वार समाप्त हो। सर, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार हो चुकी है? अभी इस घटना में अभी टोटल गिरफ्तार 7 है, इसको लेकर एक वो दोनों, अच्छा वो केस अलग अलग है ना, ये पूरा जो दूसरा भी केस हुआ था ना, पूरा घटना का इस कांड में कितने, इसमें 4 टोटल, इसमें जो FIR में गोली चलन वाला जो पार्टी है रविदास का गैंग से, टोटल 7 आदमी को हम लोग जुडिशियल कस्टडी में लेते हैं। पहले मैंने गलत बोला, 2 करके बोला, आज 1-3 करके बोला, लेकिन टोटल 7 है। और उधर उसी दिन चाकू वाला घटना घटी थी, चाकू में 3 है, एक आदमी गया, एक आदमी जो चाकू चलाने वाला, एक आदमी को उसमें जितने वाला, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।